गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन। आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, बच्चों में माता पिता के समान लक्षण पाए जाते हैं, ये हमारे को सबको विदित है। इसी प्रकार भाई बहनों में भी आकारिक समानताएं पाई जाती हैं। इसका अर्थ है कि संतान में पाए जाने वाले लक्षण संतानों में माता पिता से ही आते हैं। इन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत माता पिता से संतान में लक्षणों के संचारण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। आनुवंशिकी के क्षेत्र में प्रथम सफल प्रयोग एवं वंशागति के नियमों का प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के पादरी, जिनका नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल, जिनका जन्म 1822 में हुआ और जिनकी मृत्यु सन 1884 में हुई, ने किया था। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वास्तव में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1906 में किया था। और ये जेनेटिक्स शब्द एक ग्रीक भाषा के शब्द जीन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वृद्धि करना, टू ग्रो इनटू। मेंडल के पहले भी कई वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में काम किया, जिनके नाम मुख्य रूप से इस प्रकार हैं, जैसे जैक कॉलरूटर, इनका 1733 से 1806 तक कार्यकाल, गार्टनर 1722 से 1850 के बीच में, नॉडीन 1815 से 1889 आदि ने भी तंबाकू एवं अन्य पौधों पर प्रयोग किए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो जैक कॉलरूटर नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया कार्य था। इन्होंने तंबाकू के पौधे पर कार्य किया और इन्होंने तंबाकू के लंबे बोने पौधों के मध्य संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाया था। ये लोग किसी भी सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके थे और इनकी असफलता के निम्नलिखित कारण थे। इनकी असफलता का पहला सबसे मुख्य कारण है, इन्होंने अपने प्रयोगों में प्रत्येक पौधे को एक इकाई माना, न कि पौधे के एक लक्षण को। दूसरा, इन्होंने अपने प्रयोगों का सही अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड नहीं रखा। तीसरा, इनमें आंकड़ों या डेटाज को बारीकी एवं सही ढंग से समझने की योग्यता तथा धैर्य या सहनशीलता का अभाव था। मेंडल को प्रथम आनुवांशिक वैज्ञानिक माना जाता है, परंतु उसके कार्यों को, जिनका आज अत्यधिक महत्व है, उसको उस समय वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी थी। मेंडल के जीवन के बारे में देखें तो मेंडल का जन्म एक माली परिवार में अर्थात कृषक परिवार में सन 22 जुलाई सन 1822 में हेंजेनडॉर्फ नामक प्रांत के सिलसिया गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही ली थी। उन्हें बचपन से ही सजीव वस्तुओं में गहरी रुचि थी। सन 1842 में उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किया एवं अक्टूबर 1843 में उन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक शहर में पादरी का पद ग्रहण किया। वहीं उसे ग्रेगर की उपाधि मिली। सन 1849 में मेंडल ने कुछ समय के लिए एक स्कूल में भी अध्यापक का कार्य किया एवं उसके बाद उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित के अध्ययन हेतु वियना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। कुछ समय बाद वे पुनः ब्रुन लौट आए एवं विज्ञान के अध्यापक बन गए। अध्यापन काल के दौरान उन्होंने जो चर्च था, गिरजाघर था, उसके उद्यान में, गार्डन में उद्यान मटर यानी पायसम सेट एवं के पौधों पर सन 1857 से 1865 तक अति महत्वपूर्ण एवं विश्व प्रसिद्ध प्रयोग संपन्न किए।
उन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को सन 1866 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो वार्षिकी पत्रिका थी द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन नामक पत्रिका के संस्करण में इसको प्रकाशित करवा शीर्षक उनका ये था कि पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। दुर्भाग्य से उस समय के वैज्ञानिकों ने उनके इस महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सन 1900 ईस्वी में हॉलैंड के ह्यूगो डिवरेज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमॉक नामक तीनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए मेंडल के भूले हुए पत्र का अध्ययन किया व अलग अलग कार्य करते हुए उनके कार्य के महत्व को बताया। इस प्रकार सन 1900 ईस्वी में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की गई और उनके कार्यों को फिर वैज्ञानिक मान्यता मिली। मेंडल का जो कार्य है उसके बारे में बात करते हैं, मेंडल्स वर्क। देखिए मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए सर्वप्रथम उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम को चुना। मेंडल ने मटर में उन विप्रयासी लक्षणों को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का चयन किया परंतु उनमें से सिर्फ सात सॉरी मेंडल ने अपने मटर के जो विप्रयासी लक्षणों का चयन किया था उसमें लगभग 22 कैरेक्टर्स का चयन किया था परंतु उनमें से सात पर उन्होंने अनुवांशिक प्रयोग किए। उन्होंने एक समय पर केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जब उन्होंने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन पूरी तरीके से कर लिया तो फिर उन्होंने एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन किया। इसी प्रकार आगे मेंडल ने अपने पूर्व वैज्ञानिकों के प्रयोगों की कठिनाइयों एवं असफलताओं को अपने ध्यान में रखा और अपने प्रयोगों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई और इसलिए अपने पूर्व साथियों के समान उनको अपने कार्य में असफलता न मिलकर सफलता प्राप्त हुई। मेंडल की सफलता के मुख्य कारणों की बात करें, रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल ने अपने पूर्व सभी वैज्ञानिकों की असफलता को अध्ययन किया और साथ ही मेंडल भाग्यशाली भी थे कि उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिली। मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण उसका भाग्य एवं उसकी दूरदर्शिता थी। उसकी सफलता के कारणों को हम निम्नलिखित प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। सबसे पहले मेंडल की अध्ययन विधि, स्टडी मेथड ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपने से पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा जिनमें मुख्य वैज्ञानिक जैक ऑलरोटर थे जिन्होंने प्रयोग तंबाकू पे किए गए थे के पूर्व प्रयोगों की असफलता के कारणों का गंभीर अध्ययन किया और अपने प्रयोगों की योजनाबद्ध रूप से उनको पूरा किया। दूसरा देखिए मेंडल की सफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि एक समय में उन्होंने एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जब उन्होंने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन पूर्ण कर लिया तो उसके पश्चात उन्होंने एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों का विस्तृत समुचित एवं सही अभिलेख रखा तथा F3 पीढ़ियों तक भी अध्ययन किया और इस कार्य में उन्होंने स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए ऐसे पौधों का चयन किया, वर्ण किया जो आनुवंशिक रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध थे। शुद्धता की जांच उन्होंने बारंबार स्वपरागण द्वारा की। पांचवा, उन्होंने अपने प्रयोगों यानी संकरण के लिए जनकों के रूप में ऐसे पौधों का चयन किया जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले विप्रयासी लक्षणों के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध थे। छठा, उन्होंने संकरण के लिए हमेशा स्वस्थ पौधों को चुना। सातवां, लक्षण शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग अलग क्यारियों में उगाया तथा उन्हें पर परागण क्रॉस फर्टिलाइजेशन की संभावना से पूरी तरीके से दूर रखा। ये देखिए आप जो है जॉन ग्रेगर मेंडल का डायग्राम देख रहे हैं, चित्र है। इनका जन्म सन 1822 में और मृत्यु सन 1884 में हुई। अगला जो मेंडल की सफलता में मुख्य कारण था वो है सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। ये उनकी सफलता का में मील का पत्थर साबित हुआ। मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण उनके
द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन है। मेंडल ने गहन विचार करने के बाद में उद्यान मटर यानी पाइसम सैटिवम को चुना। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण मटर का चुनना मेंडल की सफलता का कारण रहा। पहला, मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा है, इस कारण एक वर्ष में मटर की एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। दूसरा, इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, अतः इनमें सामान्यतया पर परागण और विम्पुषण इमेस्कुलेशन आसानी से किया जा सकता है। मटर की विभिन्न किस्मों में अनेक विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं, इस कारण भिन्न भिन्न पीढ़ियों में इन लक्षणों को सही सही पहचाना जा सकता है। चौथा, इसे आसानी से कहीं पे भी उगाया जा सकता है। पांचवा, पौधों की पुष्पीय संरचना स्वनिषेचन के अनुरूप होती है, इस कारण मटर के पौधे सामान्यतया समयुग्मजी होते हैं और इनमें आवश्यकता अनुसार हम पर परागण भी आसानी से करवा सकते हैं। देखिए, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए काम में लिए गए मटर के पौधों के साथ विप्रियासी जोड़ी लक्षण देखिए। पहला, तने के लक्षण देखिए, तने की लंबाई, तो लंबापन और बोनापन, पुष्पों की स्थिति जो है अक्षीय और अग्रस्त, एक्सियल और टर्मिनल। फली के लक्षण है, फली का जो है आकार या रूप चपटी और संकीर्णित, कॉन्स्ट्रिक्टेड और फ्लैट। फली का रंग हरा, ग्रीन और पीला, येलो। बीज के लक्षण दो, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, राउंड एंड निकल्ड। बीज का रंग पीला और हरा, येलो एंड ग्रीन। और एक बीज का लक्षण और है, बीज चोल का रंग ये दूसर ग्रे और श्वेत यानी वाइट। लक्षणों का चयन देखिए, सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स। मेंडल ने मटर में पाए जाने वाले लक्षणों में से 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चयन किया। सौभाग्य से ये सभी लक्षण ऐसे थे जो प्रभावी डोमिनेंट व प्रभावी रिसेसिव थे। इन लक्षणों को सारणी में दर्शाया गया। देखिए, मटर के पौधे के मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में काम लिए गए 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों की बात करें तो देखिए, पहला लक्षण था तने की लंबाई, जिसमें प्रभावी गुण लंबापन टॉलनेस, अप्रभावी बोनापन ड्वार्फनेस। दूसरा, पुष्पों की स्थिति, तने पर पुष्पों की स्थिति में देखिए, एक प्रभावी गुण तो अक्षीय एक्सियल और अप्रभावी अग्रस्त या टर्मिनल। तीसरा है फली का रूप या आकार चपटा फ्लैटेंड और संकीर्णित कॉन्स्ट्रिक्टेड। चौथा, फली का रंग हरा ग्रीन और पीला येल्लो। फिर पांचवा है बीज की आकृति, तो यह होता है शेप ऑफ सीड में गोल राउंड और झुर्रीदार रिंकल्ड। बीज पत्र का रंग कलर ऑफ कोटिलेडन में येल्लो पीला और हरा ग्रीन। बीज चोल का रंग है दूसर ग्रे और श्वेत वाइट। थैंक यू।